अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंसरदार को पार्टनर टू द वे ऑफ योर सक्सेस आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक इंतहाई जो मेरा ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, जो प्लान है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम आने वाले चंद माह में कौन कौन सी जो स्लाइड्स और ट्रेनिंग जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो इसमें अंसरदार को पार्टनर टू द वे ऑफ योर सक्सेस, मैं आपकी सक्सेस में आपके साथ हूँ। और ये जितना कोर्स होगा, जो ट्रेनिंग और जितना हम ये कंटेंट अपलोड करेंगे वीडियोज आपके लिए, तो ये सारा इजी उर्दू लैंग्वेज में आपका होगा और जो आप इजीली समझ सकेंगे। और ये जनरल पब्लिक और जो बिजनेसमैन और जो अपने आप को आगे डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए होगा। तो इसमें ये मेरा लोगो जो आप सब लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं उसमें ये हमारे ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। छह जो है सब्जेक्ट्स हम आने वाले अगले कुछ माह में मैं आपके लिए ट्रेनिंग वीडियोस तैयार करूंगा, ताकि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकें। इसमें एक जो है वो बिजनेस एनालिसिस है और दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9001। इसमें हम लीन सिक्स सिग्मा और लीन मैनेजमेंट भी, क्वालिटी मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं और मेथडोलॉजीज हैं, वो भी पढ़ेंगे, वो भी सीखेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बेसिक जो है आए, और आप अपने रोज़मर्रा जो बिजनेस के जो आप अपने बिजनेसेस में जो आप लोग डिसीजन लेते हैं, उनमें आपकी लिए आसानी हो सके। तो फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ऑपरेशन जो है वो आपके जो रोज़मर्रा के रिपीटेड जो आप बार बार जो भी आपके चीज़ें होती हैं, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है। हम उस पर मैं आप ट्रेनिंग्स प्रिपेयर करूंगा और आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप अपने बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो बना के अपने बिजनेस को मजीद इन्हेंस कर सकें और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपके बिजनेस में इंतहाई रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर आप अपनी सप्लाई चेन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसमें प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारे जो ये जो चेन है, अगर ये आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसमें आप बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और अपनी जो आपका जो एनुअल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो उसमें हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आएंगे। हम इस पर बाकायदा मैं तफसील से वीडियोस बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। फिर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, IOSUK की जो मेथोडोलॉजी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक हम बिल्कुल सिंपल सा मैं तारफ और सेफ्टी क्या होती है, कैसे मैनेज करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, वो सारा जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इस तरीके कैसे करते हैं। इसमें जो अदर हम इसके अलावा जो वीडियोस होंगी वो अदर इंफॉर्मेटिव और मेरी पर्सनल व्लॉग्स होंगे, और उसमें मोटिवेशनल, हेल्थ एंड फिटनेस, MS ऑफिस और दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशन हैं जो बिजनेस में यूज़ होती हैं, हम उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप जो है उनकी बेसिक्स जो है वो समझ सकें और उनकी जितने भी डिजिटल टूल्स आ रहे हैं बिजनेस के, वो हमारे अभी आने वाले जो ज़माना है उसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व होने वाले हैं, और हम इन्हीं टूल्स के ज़रिए बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों से हम रिपोर्ट्स बना के अपने डिसीजंस को स्ट्रांग और जो स्ट्रांग जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। फिर थर्ड में हम क्यूरी रिप्लाइज, जो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर मैं मुख्तलिफ वीडियोस में दूंगा, ताकि आपने जो क्वेश्चन किया वो दूसरे लोग भी उससे मुस्तफीज हो सके और उससे पूछ सके, उसको समझ सके। और फोर्थ में पर्सनल व्लॉग्स होंगे, मैं एडवेंचर, टूर, फूड्स, कल्चरल इंगेजमेंट्स, उस पर मैं व्लॉग्स बनाऊंगा।
सिर्फ आपका आपको जो है अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो बताने के लिए, और रिव्यूज़, इंडस्ट्रीज रिव्यूज़, न्यूज़ जो ग्लोबली जो चल रही हैं, जो ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, डिजिटल इकोनॉमी और उसके हवाले से, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। और इसके अलावा लेसन लर्न शेयरिंग होगी, जब हम इसको बाकायदा सारा जब चीज़ें करेंगे, तो मैं मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें आप लोगों को ऐड करूंगा। वहाँ पे जो हम शेयरिंग लेसन लर्न एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो उन पे मैं अपने व्यूज़ और अपनी चीज़ें जो हैं वो उन पे अपने व्यूज़ ऐड करके तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। और फिर दाद टॉक्स चलेंगी, जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आपकी बातचीत करवाऊँगा। और इसके अलावा जो है नेचर, वाटर, वाटरफॉल्स, लैंडस्केप्स, इनकी भी वीडियोस आप देखेंगे मेरे चैनल पे। तो ये एक प्लान है जो अभी हतमी नहीं, फाइनल नहीं है, आपके इंटरेस्ट और आपके सजेशंस के मुताबिक ये प्लान मॉडिफाई और रिव्यू होता रहेगा। तो इसमें जो बिजनेस एनालिसिस की हैं, ये तकरीबन 150 से 200 वीडियोस हैं जो जिन पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये बिजनेस एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, किस तरीके से मार्केट एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम मार्केट रिसर्च और जितने बाकी टूल्स हैं वो हम इसमें 150 से 200 वीडियोस बनेंगी, और उनका जो ड्यूरेशन होगा वो 20 से 30 मिनट्स होगा। तो ये अभी देखेंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, आप वीडियोस को कितना जो है आपके लिए कंज्यूमेबल है, आप उनको ले सकते हैं, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके मुताबिक फिर इसका टाइम ड्यूरेशन भी हम ऊपर नीचे करेंगे। ये तकरीबन 150 से 200 वीडियोस बनेंगी, और क्वालिटी मैनेजमेंट में आया 9001 पे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उस पे 20 वीडियोस हैं, और 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी। और ऑपरेशन मैनेजमेंट पे 20 वीडियोस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे 77 to 100 वीडियोस जो हैं वो बनेगी, और 15 to 20 मिनट ईच वीडियो होएगी। और इसके अलावा जो है हेल्थ एंड सेफ्टी और सप्लाई चेन पे 20 वीडियोस, क्योंकि सप्लाई चेन में जो है वो लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, प्रोक्योरमेंट, वो सारे जो है वो सब्जेक्ट इसमें आएंगे, तो इसकी 20 वीडियोस होंगी, और 30 to 40 पर वीडियो होगा इसकी टाइमिंग। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी पे वेरी बेसिक्स होंगी, आयुष का मैनेजिंग सेफली, किस तरीके से जो पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या क्या जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और ये बाकी जो है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए मिनिमम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकूँ, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। तो इसके ये एक मेरा जो प्लान है इस तरीके से वीडियोस कंटेंट बनाने का। तो आगे जो कंटेंट प्लान है वो उसमें आप मेरे पास जो है तकरीबन सब का कंटेंट जो है वो तैयार है। इसमें बिजनेस एनालिसिस में दो सेक्शन हैं, दो चैप्टर आप कह सकते हैं, एक होता है बिजनेस नीड असेसमेंट और एक होता है बिजनेस एनालिसिस टूल एंड टेक्निक्स, कि हम किस तरीके से मार्केट को रिसर्च करते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चनेयर, वर्कशॉप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप्स, पर्सोना, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, मैप, राशि, फोर्स फील्ड एनालिसिस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस एनालिसिस टूल में हम सीखेंगे कि हम कैसे करते हैं। और जो बिजनेस नीड रिक्वायरमेंट्स का और असेसमेंट का है उसमें बहुत वसी टूल्स हैं जिसके लिए हम जो किसी भी प्रोडक्ट का अपने बिजनेस के कंपटीटर्स का हम थॉरली जो है जो मार्केट एनालिसिस करते हैं, ताकि हम जो कंपटीटिव जो फोर्सेस हैं उनको माप सकें और उनकी जो है वो कर सकें। इसमें आप देखिए जो जो मेन जो यूज़ होती हैं 5-6 हैं, इसमें एक जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, वी मिशन और स्मार्ट गोल्स, तो इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब आप एक कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई मिशन और विजन का जो जब आप एक सेट करते हैं,
तो वो दोबारा जो है आपकी रिजल्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रिव्यू होता है और रीडिजाइन होता है और उसके अपनी आपकी रिपोर्ट्स और आपकी क्वार्टरली या एनुअली जो आपकी मीटिंग्स जो भी आप स्ट्रेटजी में या आप अपने पॉलिसीज में डिजाइन करते हैं। पेस्ट एनालिसिस है, पेस्ट एनालिसिस इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। इसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और आप जो टेक्नोलॉजी जो जो रिव्यू हो रही होती है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, लीगल और एनवायरनमेंट आपका कंट्री का जहां बिजनेस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या है, तो वो पेस्ट एनालिसिस होता है। उसके अलावा पोर्टल 5-4 फ्रेमवर्क है जिसमें आप जो है अपने मार्केट के कम्पिटिटिव जो फोर्सेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो दूसरे बिजनेस हैं उनको स्टडी करते हैं। तो BCG मैट्रिक्स है जो आपके पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, आप उनकी जो पोर्टफोलियो होती है उसमें आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है अच्छा जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसका जो रेवेन्यू है वो कम है, किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो सारा देख के तो फिर हम जो है आपके आगे एनालिसिस बेस पर आगे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। रिसोर्स ऑडिट जो है, रिसोर्स ऑडिट में हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो मिशन गोल और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उनके साथ कंपेटेबल हैं कि नहीं, क्या वो जो हमने गोल सेट किए हैं और जो हम लोग जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हैं क्या रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी उसके मुताबिक हैं या नहीं, तो हम इसमें ये करते हैं। इसी तरह SWOT एनालिसिस है, आप SWOT एनालिसिस भी रिपीटेडली हम यूज़ करते रहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये हर महीने में और या इसमें जो है वो आप देखते हैं कि हम उसको करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे टूल्स होंगे, एनसॉफ्ट मैट्रिक्स होगी जो हम प्रोडक्ट और मार्केट को जो है वो एनालाइज करेंगे कि हम हमारे लिए कौन सी प्रॉफिट है। फिर मैकेंजी 7S मॉडल है, 4V मॉडल है, बिजनेस रूल्स, कैटवोई, वैल्यू स्ट्रीमिंग, बहुत टूल्स हैं जिनसे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी बचत को बढ़ाएंगे और इन तमाम टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे। इस सारे सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी ट्रेनिंग्स, आपके क्वेरीज, आपकी जितनी चीज़ें हैं उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। और जो मेरा जो स्टेटमेंट है कि को पार्टनर हूँ मैं आपकी सक्सेस का, तो मैं उसमें आपका भरपूर मदद दूंगा और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपकी भरपूर रहनुमाई करूंगा। तो इसके अलावा फिर जो हमारे बिजनेस एनालिसिस टूल एंड टेक्निक्स होती हैं उसमें हम बेंचमार्किंग और डिसीजन मेकिंग और राशि, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, कौन कंट्रोल करेगा, कौन इन्फॉर्म करेगा, ये सारे जो मैट्रिक्सेस हैं वो हम देखेंगे। प्रीटो प्रिंसिपल इंतहाई इंपॉर्टेंट और हर जगह आपको नज़र आता है, इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर लें तो 80-20 ये रूल भी कहलाता है कि 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो 20% जो है उस पर हावी हैं। इस तरीके से आप जो भी जब हम इसको डिस्कस, ये सब जो है हम एक एक जो कंटेंट है उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे आपको सेशंस दूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा और आपके लिए जो है वो पोस्ट करूंगा बहुत इजी लैंग्वेज में, आम फहम में, ताकि हर कोई उसको जो बिजनेस कर रहे हैं, जो करना चाह रहा है, जो स्टूडेंट है वो उसको समझ सके और वो उसके लिए आसानी हो सके। फिर हमारा अगला सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो हमारे पास जो है कितनी, इसमें ये भी मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में इसकी फी जो एक वीडियो है वो बना सकूं। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, इंट्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन है, प्रोजेक्ट स्कोप है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। तो इसमें जो है हम लोग जो है वो ये जो 11 सब्जेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इस पर बाकायदा पूरी ट्रेनिंग के साथ मैं आपको वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जब आप
अपने बिजनेस के लिए बिजनेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट्स के गोल और ऑब्जेक्टिव किस तरह हासिल करने हैं वो पूरा प्रोसीजर है, उसके कॉस्ट, उसके एचआर जितने भी वो होते हैं वो उसमें हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है वो बेसिक्स है, उसके प्रोसेसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट टाइप्स हैं, सैम्पलिंग है, चेकलिस्ट हैं, ऑडिट है, ऑडिट प्लानिंग है, और टीम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिट एक्टिविटीज़ हैं, जब हम ऑडिट करते हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लानिंग होती है उसकी, और उसके बाद ऑडिट फाइंडिंग्स एंड रिपोर्टिंग, जब हम ऑडिट किसी भी ऑपरेशंस का किसी भी उसका करते हैं तो ये रिपोर्ट बनाते हैं जो जो हायर मैनेजमेंट होती है वो अपने डिसीजन मेकिंग में उसको आगे यूज़ करती हैं। आगे हमारे पास सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, ये सप्लाई चेन पे जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसमें प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योर टू पे, स्पेंड एनालिसिस, निगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, जैसे सप्लाई निगोशिएशन जब हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, सोर्सिंग है, स्ट्रेटेजिक सोर्सेज है, कैटेगरी मैनेजमेंट है, और इसमें फिर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। इसका मेरा मुझे इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस पर 25 मिनट से 30 मिनट की एक वीडियो होगी, मगर ये प्लान है, प्लान रिव्यू होता है, रीडिज़ाइन होता है और हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे और उसको आपकी ख्वाहिशों और आपके डिमांड्स और आपकी जो जितना आप नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके मुताबिक फिर आगे इसको हम करेंगे। फिर उसके बाद है वो हेल्थ एंड सेफ्टी है, हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट में हम उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी बेसिक्स क्या है, पॉलिसी कैसे डिजाइन करते हैं, इंसिडेंट्स जो होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, उन पर रिपोर्टिंग और वो सारा हम देखेंगे। इसके अलावा KPIs डिजाइनिंग, KPIs की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस, ये इन किसी भी ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हम हर इंडस्ट्री के मुताबिक जो है वो KPIs डिज़ाइन करेंगे, प्रोक्योरमेंट के, डिस्ट्रीब्यूशन के, लॉजिस्टिक्स के, सेल्स के, हर के KPIs डिज़ाइन होते हैं और उनके फिर जो है वो उनको जो अपनी रिपोर्ट्स में और मैनेजमेंट डिसीजन में और जो जब हम स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाते हैं तो उसमें हम वो यूज़ करते हैं। तो ये कंटेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये सारा जो है जितनी मैं मेहनत करूंगा या आप लोगों से उसमें शेयर करूंगा तो उसमें आपको आगे आप उसमें जाके देख सकते हैं जो सक्सेस दार मॉडल टू दी वे ऑफ सक्सेस जो मैंने आपको स्लोगन दिया है उसको कैसे हासिल करना है, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है वो इस मॉडल पे आप चलेंगे, मेरी वीडियो आप देखिए, इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई है द मॉडल टू दी वे ऑफ सक्सेस, उसको मॉडल के देखिए, समझिए और इस पे जो है अमल कीजिए, या आपको पर्सनली जो है आपके जो गोल्स हैं उस पे फोकस करेगा और फोकस रखेगा। तो इसमें ये मॉडल आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये जो की फैक्टर्स इन एनी बिजनेस सक्सेस में आप हम इनको आगे जो है वो हम जो जो बिजनेस एनालिसिस नीड्स और असेसमेंट में हम देखेंगे तो हम इनको मजीद डीपली स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है जो जरूरी की फैक्टर है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए वो आप लीडरशिप है। लीडरशिप जो है वो ऐसी हो कि जो वो बिग पिक्चर्स को भी देख सके और जो डीप जाके जो है जो उसको जो स्मॉल पिक्चर या डिटेल पिक्चर जो है उसको भी जाके माइक्रो लेवल पे जाके जो वो मामलात को और जो 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 चीज़ें चल रही होती हैं उनको देख सके और वो लीड अपनी टीम को एक वीएम दे सके और उस वीएम की तरफ जो है वो अपनी टीम को लेके जा सके। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए। प्लानिंग, हर काम में प्लानिंग होनी चाहिए। हर जो आप बिजनेस की जितनी आप चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग इंतहाई मस्ट और इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है, वो हमें करना है। डिसीजन मेकिंग जो है वो आप जब आप सारी चीज़ें आप रिपोर्टिंग और वो सारा मैकेनिज्म बनाएंगे तो आप डिसीजन मेकिंग जो है पावरफुल डिसीजन मेकिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड आपके स्टैटिस्टिक्स पे। तो कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए विद इन टीम, विद इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ और इवन आपके कस्टमर्स के साथ भी कम्युनिकेशन का जो है वो बहुत वाजह और अच्छा होना चाहिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट,
आप किसी भी बिजनेस में आज की दुनिया में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का जो मेथोडोलॉजी है वो आपको इंप्लीमेंट करनी है और अपने ऑपरेशंस को, अपनी सर्विसेज को आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ लेके चलना है। इसके अलावा मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज हाईली रिकमेंडेड और हाईली इम्पॉर्टेंट कि आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे हो कि आप जिसमें आपका रेवेन्यू बढ़ सके और आपके कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाई हों। उसके लिए बाकायदा आपको पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए और आपको पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। गेट ऑर्गेनाइज, आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हर रोज़ की टास्क आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप जो है टू डू आप जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को डेली मॉनिटर कर सकें और उनको आप मैनेज कर सकें। डिटेल रिकॉर्ड रखिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, अंडरस्टैंड द रिस्क और रिवॉर्ड्स जो हैं उन पर काम कीजिए। बी क्रिएटिव, अपने हर चीज़ में क्रिएटिव हुई और क्रिएटिव लोगों को लेके आइए और क्रिएटिव लोगों को जो है वो उनको जो है रिवॉर्ड दीजिए। एनालाइज योर कंपटीटर्स, हमेशा जो है वो अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करते रहिए और उससे आप अपने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप जो है वो इम्प्रूव करते जाइए। तो फिर कंसिस्टेंसी, हर काम जब आपको डिसीजन लें और डिसीजन आपका जो है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और जब भी आप जब एविडेंस बेस्ड कोई डिसीजन लें तो उस डिसीजन में आपकी कंसिस्टेंस आपको मुसलसल जो है तवातर और उसके साथ उस पर कारबंद रहना चाहिए और इस तरीके से आप जो है वो उसमें सक्सेस। वी मोस्ट मॉडल आपसे पहले भी डिस्कस की है, मेरी पहले वाली वीडियोस में भी मौजूद है, आप इसको ज़रूर देखिए। यहाँ इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसको ये पूरा हम मॉडल बनाएंगे। आप जो जिस इंडस्ट्री के लिए कहेंगे उस इंडस्ट्रीज के लिए मैं आपके लिए मॉडल्स बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा ये सब बनाने में। स्मार्ट गोल्स, ये भी मैंने मेरे पहले वीडियो में मौजूद है, इस पर मैं डिटेल में नहीं करूंगा। गोल्स जो है हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए ताकि आप उसको सब चीज़ों को मेजर कर सकें। तो ये आज का सेशन था, थोड़ा लंबा हुआ। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई ताकि आप मेरा पूरा प्लान देख सकें कि हम मैं आपको को एज अ को पार्टनर अगर कह रहा हूँ तो मैं आपको सक्सेस की तरफ किस तरीके से आपको सक्सेस की तरफ लेके जाऊंगा और आपकी किस तरीके से सपोर्ट करूंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए और दूसरे फैमिली फ्रेंड्स और उनमें मेरी वीडियोस शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और दूसरा जो बाकी जो सोशल मीडियाज़ हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मुफीद और ये जो एक जो मेरा अमल है, ये जो मेरा नॉलेज है उन लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। थैंक्स वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।